भी हमारे चैनल कारी यकूब फैसला बादी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकॉन पर क्लिक करें। जज़ाकअल्लाह। أحسن الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بين يدي الله ورسوله واتقوا الله الله سميع عليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد दिल ठरदा मेरा कलेजे ठंड पैंदी आका दा नाम आंदा है ना मोहब्बतां दे रुग पैंदे ने दिल नूं सुभान अल्लाह वअला आली मुहम्मद वबारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि हम्दो सना अल्लाह जल जलालुहु वास्ते दुरूद सलाम इमामुल हुदा फख्र इंसानियत मुहसिन आदा दुश्मनों के भी मुहसिन पत्थर मारने वालों को दुआएं देने वाले मेरे और जनाब दे पीरो मुर्शद रहबरो रहनुमा इमाम आजम पैगंबर आजम पूरी कायनात दे कायदे आजम हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व असहाबिहि वसल्लम वास्ते मेरे प्यारे 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 दोस्तों बुजुर्गों भाइयों मुअज्जजीने किराम और मेरी काबिल सद एहतराम माओ मुअज्जदात बहनों अजीज आवाज उठे ठीक है पहले वाली जगह से हाँ फिर कोई गल नहीं आवाज थोड़ी जी काट कर मुअज्जजीने किराम और मेरी काबिल थोड़ी जी बेस दो बेस आवाज दी बारीकी खत्म करो और मेरी काबिल सद एहतराम माओ मुअज्जदात बहनों अजीज तालिबाए किराम व मुअज्जजात तालिबात अल्लाह दी बारगाह अंदर दुआ है कि मालिकुल मुल्क अपनी रज़ा रहमत नाल अज दा ए खुतबे जुमातुल मुबारक दा ए तालीमो तालुम दा तदरीसो यानी दरसो तदरीस दा ए पढ़ने पढ़ाने दा ए जड़ा प्रोग्राम माशाल्लाह हुंदा है
इन्हों अल्लाह अपनी बारगाह अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। मेरा बयान करना जनाब दा समात फरमाना अल्लाह साड़ी नजात दा जरिया बनाए। प्यारे भाइयों खुतबा जुमातुल मुबारक अंदर वक्त नहीं हुंदा कि बहुत लंबिया चौड़िया तमहीदा बनिया जान, टू दी पॉइंट बात हुंदी है। और लुत्फ आंदा कि हर जुमे ओहो ही सामीन होण और नवा तो नवा मवाद, नवे तो नवा नॉलेज, नवे तो नवा बयान और टू दी पॉइंट बयान होवे। और थोड़ा जा वक्त लगे जनाब दा और जनाब दिया चोलियां दे अंदर किताबां समेट के रख दें अल्लाह दी तौफीक नाल। तवज्जो फरमाना जरा, बारह मिलाद या बारह वफात, क्यों जी बारह मिलाद या बारह वफात, ईद मिलादुन नबी की शरी हैसियत आज दा खिताब। अल्लाह करीम ने सूरा हुजरात दी पहली आयत अंदर क्या मसले हल फरमा छड़े। अल्लाह ने फरमाया ईमान वाले हो, हुण पता नहीं ईमान वाला कौन है, अपने आप नू तलाश करे। क्यों जी अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान वाले हो, ए ईमान वाले हो, ला तुकद्दिमु बैन यदैल्लाहि व रसूलिही। फरमाया अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल तो अगे ना बदो, अगे बढ़ने दी कोशिश ना करो। एदा की मतलब है अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी बात तो अगे बढ़ना की है, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल तो अगे बढ़ना की है। यानी अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी जिथे बात आ जाए ते मर्जी अपनी चलावे, गल अपनी मनवावे, मर्जियां अपनियां करे, ये है अल्लाह रसूल तो अगे वधना, वरना मुकाम शान अंदर कौन वध सकदा है। जी 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 अल्लाह करीम ने नाल ये भी फरमाया अगर तुहाडे दिल अंदर ईमान है अल्लाह को डरो, इन्नल्लाह समीउन अलीम। अल्लाह सुनने वाला भी जानने वाला भी है, ये नहीं अंदर तुहाडे हो रे जाहिर होर बातन होर इजनी अल्लाह नू ते सारा कुछ पता है। अल्लाह अंदर दिया भी जानदा है, जो अल्फाज तेरे जबान चो अदा नहीं हुंदे तेरे जेन अंदर दिलो दिमाग अंदर आए अल्लाह उन्हां नू भी जानदा है, जेड़े अल्फाज तेरे अदा हुंदे ने अल्लाह उन्हां नू भी जानन वाला है। इस वास्ते अल्लाह को डरे आजे, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी गल तो अगे ना मदे आए। जे तुसी लोगां ने कलमा पढ़ लिया है अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा, ते फिर अगे वधण दी बात की होई। जेदा कलमा पढ़ी दाए ओदी गल मन्नी दी है, जेदा कलमा पढ़ी दाए ओदे आखे लगी दाए, जेदा कलमा पढ़ी दाए ओदे पिछे चली दाए। क्यों जो सोने दी जात जई किसे दी जात नहीं है, आका दी बात जी किसे दी बात नहीं है। समझ आ गई ना, ए जे साडे अल्लाह दे फजल नाल दलाइल, ए साडा मौकफ, ए साडा मसलक, ए साडा मनहज, ए साडा अकीदा है। सुभान अल्लाह। जी 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 मेरे प्यारे वीर तवज्जो फरमांदियां चला जाना, मेरे तेरे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाह, पिछले नहीं पिछले तरह हौली बोले सल्लल्लाह हो, इधर वेखना मेरे और तुहाडे प्यारे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी दी जिंदगी दी आखरी बमार बीमारी दा आगाज सोमवार वाले दिन होया। पीर वाले दिन मेरे नबी नु बुखार हो गया, बुखार शिद्दत अख्तियार करदा जा रहा है। बुध वाले दिन सफर दी आखरी बुध,
सफर दे महीने रबीउल अव्वल तो पिछला जड़ा महीना सफर दी आखिरी बुध नूं ते मेरे नबी दी तकलीफ बड़ी जोरां ते हजूर दी तकलीफ मेरे नबी दी बद चली जा रही है। लेकिन मेरे प्यारे भोले ते सादा जे बिल्कुल ही अनपढ़ ते बेलम वीर दे कान्ने च किसे यहूदियां दे एजेंट ने फूक मारी। उन्हें पढ़ना नहीं, ना हदीस पढ़िया, ना कुरान दी आयत आंदी है, ना उदा तर्जमा आंदा है, ना किधरे उलमा कोले उते टारा सुननिया सिर्फ सिखिया होया है, बस कान ते हाथ रख कही जाना है कर देना एक बारी तो नोट नोटा दी बारिश। वो मैनू एक जगह ते मेरा बयान होया खोज जगह ते कहन जी यो जत वाज असा कदा नहीं कदी नहीं सुनिया। मैं आख्या तुसी एक बारी ह करे बंदा ते नोट सुटने बंद करो ते अगली बारी हो करेगा कोई नवी, वरना उन्हें एको ही हो ते रखना एको ही मिसरे ते तुहानू रखना है जी। नोट सुटी जाने एको मिसरा ते हो चलता रहिंदा, कोई चीज सुनानी ही नहीं, इहो जी चीज सुनाण ते तुहानू पता चले ना। इस वास्ते मेरे प्यारे भाईओ अल्लाह अकबर मैं अर्ज कर रहा कि किसे ने फूक मारी मेरे भोले ते सीधे साधे ते अनपढ़ बिल्कुल दीन तो दूर है जाहले परले दर्जे दा, यानी इलम नहीं है ना कुरान दा ना हदीस दा, ओदे कान च फूक मारी किसे शैतान ने किसे यहूदियां दे एजेंट ने के जे अल्लाह दे प्यारे महबूब बन के उन्हां दा अल्लाह दे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू सफर दी आखिरी बुध नू सेहत होई सी ते अल्लाह दे नबी ने गुसल फरमाया सी नहाते सन आपने कपड़े पाए आपने बाग दी सैर कीती सी, लो उथे जशन मनाना शुरू करता उथे जशन शुरू कर दिता। हाय मेरे अल्लाह कुरान नहीं वेखिया हदीस नहीं वेखी ना ना सुनिया, तवज्जो फरमा दरा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बीमारी दा आगाज सोमवार वाले दिन आखिरी सोमवार जनाब सफर दी और बुध वाले दिन ते बीमारी जोरा ते फिर जोर पकड़ती चली गई हत्ता के मेरे नबी अपने अल्लाह को चले गए। आखिरी बीमारी दा आगाज होवे उथे जशन मनाए जान, मेरे नबी सल्लल्लाहु सल्लम दुनिया तो तशरीफ लै जान उत्थे जशन मनाए जान। तवज्जो फरमाना जरा दलाल नाल गल आज मेरे खिताब अंदर क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, जाओ पूरी दुनिया नू पूरी क्यामत तक वास्ते चैलेंज कोई मेरे एक सवाल का जवाब लैके आवे। असी भी कहिए कि चलो हजार विचो एक फीसद हजार चो एक पॉइंट ला लो 999 गलत सही, चलो एक ही हजारवा नंबर सही है कोई एक पॉइंट ही उहदे कोल सही है, लेकिन एक सवाल का जवाब कोई दुनिया से माई दा लाल नहीं दे सकता। सुनिया हकायक ने हकायक जिन्हों का जवाब है ही कोई नहीं, जिन्हों का जवाब है ही नहीं। एक दिन मैं मसवाक लई ते उस सवा गिठ दी मसवाक बना के देंदे ने ना, मैं आख्या इहनू दो कर दे नवल्टी पुल फैसलाबाद, मैं आख्या बड़े सालों की बात है, मैं आख्या दो कर दे, वह कहता है तो मकरू हो जाएगी। मैं आख्या ये कितने लिखा, आखिर जी साढ़े मौलवी दस्या, मैं आख्या मौलवी तो पूछ के आई, आखिर सवेरे मैं पूछ के दसांगा, मैं आख्या सवेरे तू नहीं दसना। खैर खैर कई दिन गुजर गया, मैं आख्या हाँ भाई, आखिर जी मौलवी साहब कहते मैं लभदा पिया मसला लभदा पिया। अच्छा फिर मैं आख्या नहीं लभना उन्होंने महीना दो महीने, तू कहना कल दसांगा, कल नहीं आनी है क्यामत तो पहले, कल नहीं आ सकती, कुछ तो गुजर जाड़गियां नहीं। कहता जी नहीं नहीं ये किवें हो सकता है, सड़े मौलवी मसला बयान किया। फिर दो चार महीने फिर गुजरे, फिर मैं उतो आके हाँ भाई, कहता जी मौलवी साहब कोई नहीं, मौलवी साहब कहते नहीं लभदी नहीं, मैं कह लभनी है ही नहीं, कोलो बनाया मसला लभना कितों है जी, दीन कितों बन गया है। अल्लाह के बंदे मसवाक है छोटी है बड़ी है, मसवाक करना सुन्नत है, ये तो शैतान ने सवा गिठ वाला चक्कर चला के मसवाक ना सवा गिठ दी होवे तो ना को करे है जी। अल्लाह अकबर अल्लाह, नहीं नहीं सुने बात समझ जरा मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी 12 वफाद इहदे बारे अंदर तमाम सीरत निगारां दा और तमाम मुहद्दिसीन दा तमाम मुअर्रखीन दा इत्तेफाक है कि मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार वाले दिन पीर वाले रोज बवक्ते चाश्त यानी चाश्त दे वक्त जिस वेले पीली
धुप खत्म हो जाए, सूरज बुलंदियां नाल पूरियां रोशनियां नाल वादे हो जाता है, उस वेले नूं चाश्त दा वक्त आख्या जाता है। यानी चाश्त दे वक्त अजीम जनाब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र मेरे नबी दी 63 साल ते 4 दिन 63 साल ते 4 दिन दी हुई। आप अल्लाह कोल चले गए चाश्त दे वक्त दिन चढ़े। अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। इदे ते पूरे दे पूरे मुहद्दसीन मुहद्दसीन जनाब कट्ठे कर लो, उन्हां दियां जिंदगियां पढ़ लो, अहदीस नूं छानबीन करो, मुअर्रखीन तारीख निगारां दियां तारीखां नूं वेखो, सीरत निगारां दियां सीरतां नूं वेख लो, उन्हां दी सीरत निगार वेखो, सारे लोगों का इतफाक है मेरे नबी की जिंदगी दे दिन भी गिने ते दिन भी दस छे। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक भी दसी, वक्त भी दसिया, दिन भी दसिया। रबीउल अव्वल 12 रबीउल अव्वल पूरी दुनिया दे लोग इस बात ते मुतफिक ने मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वफात 12 रबीउल अव्वल सोमवार वाले दिन होई। गल समझा जे जरा। लेकिन वलादत दे बारे दे अंदर पीर वाला दिल ते मौजूद है, ये ते गल कन्फर्म है। सोमवार वाले दिन अल्लाह दे नबी दी वलादत बाजादत होई, मगर तारीख डेट डेट कन्फर्म नहीं है, ना 9 दी कन्फर्म है। मैं माड़ा जा इशारा कीता सी, ना 9 दी कन्फर्म है ते ना 12 दी कन्फर्म है, ना कोई 10 मुहर्रम दी कन्फर्म है, ना जनाब दूत लिखिया है। लोगों ने बड़िया बड़िया डेटा लिखिया ने, कोई सफर दे महीने दियाँ, कोई रबीउल अव्वल दे महीने दियाँ, हत्ता कि मुहर्रम दे महीने दियाँ लिख दतियाँ। अल्लाह अकबर अल्लाह। जी 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 डेट मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वलादत दी डेट सही दलाइल नाल कुरान व हदीस अंदर कन्फर्म नहीं है। गल समझ आ गई ना। जी जी मेरे प्यारे वीर, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी यानी मेरे नबी दी वलादत दी डेट वो जनाब रबीउल अव्वल दी फलां डेट सी, फलां महीने दी फलां डेट सी, किसे सही हदीस विचों नहीं मिली। लेकिन वलादत वलादत दी डेट अल्लाह सोने ने पोशीदा रख करके ये दसना चाहे कि कोई ईसाइयां दी तरह मेरे पाक मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वलादत दे दिन नूं ईद ना मनांदा फिरे। ये भी अल्लाह दी हिकमत सी, हर चीज सामने, हर चीज कन्फर्म, हर चीज हदीसा च। मेरे प्यारे नबी दी वलादत दी ओ तारीख नूं पोशीदा रखना मेरे अल्लाह सोने दी हिकमत सी कि कोई बंदा यहूदियां दी मुशाबत ना करे, यहूदियां दे पिछे लग के उन्हां ईसाइयां दे पिछे लग के उन्हां लोगों ने साल गिरा मनाई, वलादत हजरत ईसा अलैहि सलाम दी वलादत दे दिन नूं उन्हां लोगों ने जनाब उस डेट नूं जो ईद वाला दिन मनाया, कोई मेरी वलादत दे दिन नूं अल्लाह दे नबी ने फरमाया कोई ईद वाला दिन ना बनांदा फिरे। रब सोने ने भी पोशीदा रखिए, लेकिन इन्हां ने आख्या नहीं नहीं नहीं, अल्लाह सोनिया अल्लाह सोनिया तू ना दस, हदीसा च ना मिले, कुरान च ना मिले, किधरे ये डेट लभे ही ना वलादत दी, सही डेट दा तय्यन होवे ही ना। उन्हें कहा सी अपनी मर्जी नाल कर ला, असी वफात नूं मिलाद बना देंगे, क्यों जी, और असी तीसरी चौथी पंजवीं सतवीं क्लास तक अल्लाह के मैट्रिक कर लिया, जामिया सल्फिया च 1, 2, 3, 4 साल साढ़े गुजरे सन 84 तक। उस वक्त स्कूलों के अंदर जेड़े लोग मेरे हम उम्र ने उन्होंने पता होएगा कि 12 वफात की छुट्टी होंगी, क्यों जी पता है ना, बुजुर्गों तो बहुत ही पता है ना, छोट 12 वफात की छुट्टी ते 12 मिलाद किवें बन गई, क्योंकि वफात दे नाते खान पीन लभदा कुछ नहीं सी। इन्होंने आख्या चलो
केड़ी गल है, दीन अपना मर्जी का तो बनाया हो तली ही फैक्ट्री है मसले घड़न वाली। अज घड़ी जाने से बयान की जाने, घड़ी जाने बयान की जाने। इन्होंने आख्या सानू कौन पूछण वाला है, असी मुहब्बत प्यार वफात नू जनाब असी मिलाद कहते रहिए और मिलाद के जश्न मनावे खुशियां मनावे तो लोग खुश हो के भंगड़े वाहवा पा लैणगे धमाला ज्यादा पा लैणगे लोग खुशी अंदर आ के खर्च ज्यादा करनगे। क्यों जी अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह फजाइल करने शुरू कर देते। सन 84 तो पहले लोगो ये जनाब 12 मिलाद का जिक्र ही नहीं सी किधरे। अल्लाह अकबर ईद मिलाद नबी का कोई जिक्र नहीं, 12 वफात तो 12 जनाब मिलाद बन गई। मैं सिर्फ इतनी बात कहना मेरे प्यारे वीर, ओ दीन तो दूर एक राफजी हुक्मरान है जी मुजफ्फर कोकबुरी, उन्हें जनाब अपनी सियासत नू चमकाण वास्ते लोगों नू नाल मिलाण वास्ते झूठे मौलवी दरोगो झूठ बोलन वाले दे किस्से उन्होंने जनाब सारे उन्होंने घड़े उन्होंने आम कर के एक हुकूमती सरप्रस्ती दे अंदर दिन मनाने शुरू कीते। अल्लाह अकबर 6 सदियां गुजर गईयां, 6 सदियां मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू दुनिया तो तशरीफ लग्या नू 6 सदियां गुजर गईयां। 6 सदियां च किसे नू इस दिन दा पता ही नहीं सी, जिवें कल दा दिन गुजरिया एवें ही अज दा 12 रबीउल अव्वल दा गुजर जांदा। 6 सदियां गौर करिया जे, मैं आखिर ते इत्थे ही पॉइंट लावांगा, गल समझदे चले जाना। जी जी मेरे प्यारे भाई, अल्लाह दे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहूदियां और ईसाइयां दी मुखालफत करो, क्यों जी प्यारे नबी ने फरमाया ना, ते अल्लाह ने डेट नू पोशीदा रख के एहो ही हिकमत सी कि कोई है जी ईसाइयां दी मुशाबत कर दिया होया कि मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वलादत दे दिन नू ईद वाला दिन ना मनांदा फिरे। लेकिन ए बाज ए यहूदियां दी मुशाबत करने वाले ईसाइयां दे हम नवा ईसाइयां दे हम पल्ला बाज नहीं आए, इन्होंने कोई दलील सिरे तो नहीं लभी, इन्होंने फिर भी जो मर्जी आई शुरू किया दीन। और दीन ते नबी दा काम भी नहीं कि नबी दीन बनावे, शरीयत साजी नबी दी ड्यूटी नहीं, शरीयत ए अल्लाह सोना आसमाना पार अरशा तो बना के नबी ते भेजदा है, ते नबी दी ड्यूटी है कि नबी अगे अपने उम्मतियां नू बतलांदा है। जी नबी शरीयत बनांदा नहीं बल्कि बनी बनाई मुनज़्ज़िल मिनल्लाह अल्लाह की तरफ से नाज़िल शुदा शरीयत को बतलाता है, नबी बताता है बनाता नहीं शरीयत। इन्हें आख्या कौन रब, रब नालो असी डाडे अपने आप नू रब साबित कर देने। ओए होए अस्तगफिरुल्लाह माज़ अल्लाह, अल्लाह दे इख्तियार इन लोगों ने अपने हाथ अंदर ले ले। जी मेरे प्यारे भाई, अल्लाह अकबर अल्लाह। हाँ इतनी बात है, काजी सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सीरत नबी दी शोरा आफाक और माया नाज तसनीफ अंदर रहमतुल आलमीन दे अंदर उन्होंने तहकीक शुदा डेट नहीं लिखी 9 रबीउल अव्वल में दसिया ए उन्होंने महमूद पाशा फलकी माहरे हाँ जी फलकियात रियाजीदान है दान उन्होंने रियाजी दे हिसाब नाल उन्होंने डेट 9 दसी है, वरना हदीस विच सही नहीं मिलती, हदीस च 9 भी कोई नहीं गई। यह गल याद रखो, कन्फर्म बात है अल्लाह के फदर नाल। अगर किसी को है कोई ऐसी हदीस जिड़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचती हो, किसी सहाबी ने फरमाया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं फलां तारीख नू रबीउल अव्वल की फलां तारीख नू पैदा होया, या होर किसी महीने की किसी तारीख नू को दसे है ही कोई, दसनी भी किसी ने नहीं, इस पास आना ही किसी ने नहीं, क्योंकि जे इस पास आन गए तो फिर जरा वो जड़ा ना है हाल जरा शुरू किया ना, मैं कहता हूं ना फीड साज फैक्ट्रियां, वह फीड साज फैक्ट्रियां बंद हो गियां। अगर कुरान आले पासे किसी नूं आण दिता या हदीस आले पासे आण दिता तो फिर तो बड़ा मसला। अल्लाह अकबर इधर वेखला मेरे और तुहाडे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद, दिल ठरदा दिल फिर कह दो सल्लल्लाहो
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे तेरे प्यारे नबी 12 रबीउल अव्वल दुनिया तो तशरीफ ले गए। थोड़ा जा नक्शा ते वेखो मेरे नबी दे घर वाले दा हजूर दिया मेरे नबी दी बेटी फातिमा दा मेरे नबी दे नवासिया दा मेरे नबी दे सहाबा दा की हाल सी। अल्लाह दे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जड़ी वफात वाली डेट है उते कन्फर्म है। सोमवार वाला दिन जनाब 12 रबीउल अव्वल सारे लोगों ने इस तारीख ते इत्तेफाक किया है। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तो पहले बीमार हुए, अल्लाह दे नबी नूं तकलीफ वधदी चली गई। एक दिन मेरे नबी फरमाते ने मोरू अब बकर फलयुसल्ली बिन्नास, जाओ अबू बकर नूं आखो लोगों नूं नमाज पढ़ावे। मेरे प्यारे नबी दी ज़ौजा मोहतरमा मेरी तेरी अम्मी 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 आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा अर्ज़ कर दिया ने अब मेरे अब्बा जी ते बड़े ही रकीकुल कल्ब ने रोई जांदे ने, उमर नू कह दियो लोगां नू नमाज पढ़ा देवे। मेरे प्यारे नबी फरमाते ने आयशा इहदे अंदर मेरा अख्तियार नहीं, नबी बोलदा है ते अल्लाह दी मर्जी नाल बोलदा है। मेरे कोल अख्तियार नहीं है, मेरा अल्लाह अब अल्लाह मेरा अल्लाह इनकार कर रहा है। अबू बकर दी मौजूदगी दी अंतर मेरा अल्लाह किसे होर दी इमामत नू नहीं मनदा नहीं मानता, अल्लाह इनकार करता पिया है। मेरे नबी दोबारा फरमाया मुरू अबा बकरिल फलयुसल्ली बिन्नाज, जाओ अबू बकर नु आखो लोगों नु नमाज पढ़ावे। हजरत अबू बकर ने मेरे नबी दा हुक्म मंदिया होया नमाज शुरू फरमाई है। मेरे प्यारे नबी दे सहाबा वेखदे ने अज अल्लाह दे नबी मुसल्ले ते खड़ोते नजर नहीं आंदे, सहाबा दियां सिसकियां टुसकियां दियां आवाजां सहाबा रोंदे ले अखां चों आंसू जारी हो गए। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा सोचदे ने दिल अंदर ख्याल करदे ने शायद अल्लाह दे नबी दे पिछे अज दे बाद नमाजां पढ़ने वाला शर्फ मुक जावे। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआमले नूं भांपिया, हजूर ने सिसकियां दी आवाज सुनी, मेरे नबी समझ गए। अल्लाह दे प्यारे नबी ने हजरत अब्बास नूं बुलाया, हजरत अली नूं बुलाया, एक हाथ मेरे नबी हजरत अब्बास दे कंधियां उत्ते दूसरा हजरत अली दे कंधियां उत्ते। मेरे नबी दे पैर मुबारक जमीन ते खिसड़दे जा रहे ने, निशान बनांदे जा रहे ने। मेरे प्यारे नबी सहालत अंदर मस्जिद अंदर पहुंचे, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जी हालत अंदर मस्जिद अंदर जा रहे ने, दूसरी रवायत अंदर आया है मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार ने, हजूर दियां वारियां शिफ्ट कीतियां जा रहियां ने, कदी हजरत मैमूना दे घर अंदर कदी अम्मा जान ज़ैनब दे घर अंदर। एक दिन वारी मेरे नबी दी अम्मी जान हजरत हफ्सा दे घर दे अंदर, मेरे नबी दी वारी सय्यदा सुफिया दे घर दे अंदर, जनाब उम्मे हबीबा दे घर दे अंदर। मेरे नबी दियां वारियां तब्दील हो रहियां ने, हर रोज अल्लाह दे नबी पुछदे ने कल मेरी वारी के दे गारे, कल मेरी वारी के दे गारे। मेरे नबी दियां बीवियां ने बाप लिया, अल्लाह दे नबी आयशा दी वारी दा इंतजार फरमा रहे ने। सारियां बीवियां ने मेरे नबी उस दिन हजरत माजान मैमूना रजी अल्लाह तआला दे घर दे अंदर वारी है तकलीफ वधी हुई। मेरे नबी ने अपनियां बीवियां नूं इकट्ठियां फरमाया, मेरे नबी दियां बीवियां पहले ही रो रहियां ने। मेरे नबी फरमाते ने मेरी ओ बीवियो अगर मैनू इजाजत देवो मैं अपनी बीमारी वाले अय्याम आयशा दे हुजरे अंदर गुजार लवां। रात में एक अपने खिताब अंदर बहुत बड़े हजारां दे इज्तिमा दे अंदर 10 तो लेके 11 बजे दा खिताब कर रहा सा, उदे अंदर मैं सही मुस्लिम शरीफ दी हदीस सुनाई, बड़े बड़े अल्लामा ते मौलवी वेखदे ही रह गए। मैं आख्या अल्लाह दे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ौजाए मोहतरमा हजरत आयशा सही मुस्लिम शरीफ दी हदीस यानी जनाब 6290 नंबर हदीस है। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब हजरत आयशा फरमांदियां ने के प्यारे नबी दियां बीवियां ने जनाब सय्यदा फातिमा नु तैयार कीता, मेरे नबी दी खिदमत अंदर गलाया। सय्यदा इजाजत चांदियां ने, अम्मी फरमांदियां ने मैं अपनी चादर अंदर प्यारे नबी दे नाल लेटी होई। सुभान अल्लाह, चादर इक्को ही सी ना, ओ कोई ओढ़ना ते होई बिछोना, चादरा गोर है ही नहीं, दो चादरा अलग अलग लिया जान, एक कोई चादर घर अंदर। अम्मी फरमा दिया ने मेरी चादर अंदर अल्लाह दे नबी मेरे नाल ही लेटे हुए ने। फातिमा नु इजाजत दिती है, सय्यदा फातिमा हाजिर हो करके आ करके अपने बाबे नु अर्ज कर दिया ने, बाबा तुहाडिया तो बीविया मेरिया दूसरिया मामा अबू कुहाफा दी बेटी दे बारे दे अंदर इंसाफ चाहदियां ने, इंसाफ मंगदियां ने इंसाफ। हालांकि जे मेरे लबी इंसाफ नहीं कर दे ते रूए जमीन ते इंसाफ कौन करेगा। उन्होंने ने अपने हिसाब नाल बात की ना कि जिमें ऐशा नाल मुहब्बत उमें सारिया बीवियां नाल, ये गल तो मुहब्बत ते प्यार दी सी ना, कोई मुखालफत दी बात ही नहीं सी। अल्लाह दे प्यारे नबी ने सय्यदा फातिमा दा सवाल सुनिया, हजरत फातिमा सवाल करके गल दस के अपनिया दूसरिया मियाँ की सिफारिश वास्ते गलिया सी ना, दूसरिया मियाँ की गल करने दे बाद खामोश हो गई। अल्लाह दे नबी फरमाते ने बेटी क्या तू उस नाल मोहब्बत नहीं करेगी जिदे नाल तेरा बाबा मुहम्मद मोहब्बत करदा है। अलस्ती या बोले ऐ बुनैया तू, ऐ मेरी बेटी फातिमा, अलस्ती तुहिब्बीन मा उहिब्बू, जिद नाल मैं मोहब्बत कर ला क्या तू ओदे नाल मोहब्बत नहीं करेंगी। बेटी कहती है कालत बला जी या रसूल अल्लाह मैं मोहब्बत करांगी, किवें मोहब्बत ना करा जिद नाल तुसा मोहब्बत करते हो। अल्लाह दे नबी फरमा दे ने फाहिब्बी हाजी, हजरत आयशा वाल इशारा करके फरमाया फिर बेटी ये मोहब्बत। अल्लाह हजरत फातिमा चलिया गई, जो सुनिया जो जवाब मिले जाके अपनिया दूसरिया मियां नूं दसिया, सारिया बीवियां कहन लगियां अज़वाजे मुतहर फातिमा तू साडे काम ही ना आ सकी, साडे काम ना आई, जेड़े काम घल्लिया सी ओह काम ते तेरे तो हो ही नहीं सकिया। सय्यदा ज़ैनब सन बड़िया बड़िया पावर आलिया खातून बराबर दा, हजरत आयशा फरमांदियां ने मेरे बराबर दी जोड़ ओह ही, मेरे बराबर दा जोड़ ओहो ही सी सय्यदा ज़ैनब बिनते जाहश। ज़ैनब बिनते जाहश कहंदियां ने पिछे हट बेटी मैं चलनी आ, हजरत ज़ैनब बिनते जाहश गईयां दरवाजा खड़काया इजाजत चाहिए। अम्मी फरमादियां ने कौन, अम्मी आयशा, अम्मी आयशा फरमादियां ने मैं उसे तरह ही अपनी चादर च लेटी हुई प्यारे नबी दे नाल जिवें हजरत फातिमा नूं जदों इजाजत दित्ती सी उन्हां दे आण दे वक्त लेटी उसे तरह लेटियां हुईयां। सय्यदा ज़ैनब आईयां, हुण वेखो ऐ ने दिल साफ अंदरों, हजरत आयशा फरमादियां ने ज़ैनब दयानदारी अंदर ईमानदारी अंदर सच्चाई अंदर सखावत अंदर ओदे नाल दी कोई खतून नहीं सी, हत्ता के सदका इतना ज्यादा कर दिया कि अपने आप नू मुश्किल अंदर डाल लेंदिया, अपने आप ते जोर दे के सदका कर दिया। बड़ी नेक ते दयानदार ईमानदार औरत, बड़ी पारसा ते नेक औरत ज़ैनब बिनते जाहश। एक गल सी ओदे अंदर तेजी जरूर सी, गुस्से वाली तेजी का मतलब गुस्से वाली औरत सी, लेकिन बाद अंदर गुस्सा
भी जल्दी खत्म हो जाता, घुल मिल जाती, अपनी गल ते सॉरी बड़ी जल्दी कर लेंदी, बड़ी जल्दी मुआफी मंग लेंदी। अल्लाह कितना प्यारा तबसरा किया अम्मी आयशा ने। लेकिन अदर वेखो सैयदा ज़ैनब बिनते जाश बोलियां कड़क करके बोलियां, हजरत आयशा दे बारे अंदर गल्लां कर दियां रहियां, बोल दियां रहियां, अल्लाह दे नबी खामोश रह गए। हजरत आयशा फरमादियां मैं वेखदी पईयां प्यारे महबूब वल, अल्लाह दे नबी मैनू जवाब देण दा बोलदे ने या नहीं, जवाब देण दा कहणगे या नहीं। मैं सोने नबी दे चेहरे तो ही पढ़िया कि मैं जवाब देंगी ते अल्लाह दे नबी बुरा नहीं मनाणगे। जो चेहरे तो अंदाजा ला के सैयदा आयशा का भी हौसला वध्या, सैयदा आयशा बोलिया थोड़े जे मिनटां दे अंदर ही थोड़े वक्त अंदर हजरत ज़ैनब बिनत जाहश नू ला जवाब कर छड़िया, ला जवाब कीता ते अल्लाह दे नबी वल वेख्या। अम्मी फरमादियां ने मेरे नबी मुस्कराए, अल्लाह दे नबी तबस्सुम फरमाया ते नाल फरमांदे ने आखर ए वी ते अबू बकर दी बेटी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अम्मी आयशा दियां अजमतां ते तबसरे हो रहे सन, उहदे च मैं हदीस सुनाई, खुदा दी कसम इत्थे मैनू याद आ गई बात। चलदियां चलदियां जदों वेखो ना मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां बीवियां ने बड़ी खुशी नाल आंसुआं नाल मेरे नबी नूं इजाजत फरमाई है। फजल बिन अब्बास ते अली नूं बुलाया, इत्थे इह वी रिवायत आंदी है, उहनां नूं बुलाया ते मस्जिद दे सेन विचों शिफ्ट कीता जा रिहा हज़रत आयशा दे उजरे वल। मेरे नबी दे साहबा हजरत दी तकलीफ नूं वेख के जदों पैर जमीन ते नहीं लगदे पै, खिसड़दे पै ने, जिस्म दा वजन कदम ऐन चुकदे नहीं पै, उठा नहीं रहे, अल्लाह दे नबी नूं तकलीफ, अल्लाह दे प्यारे नबी नूं तकलीफ बड़ी ज्यादा। साहबा ने वेख्या शिशकियों दियां आवाज़ां ते रोए साहबा, मेरे नबी मतवजे होया, फरमांदे ने अब्बास अज फजल ठहर जा, फजल बिन अब्बास ठहर जा, अली तू ही ठहर जा। मेरे नबी साहब बावल मुखातब होए, अल्लाह दे प्यारे नबी फरमाते ने सहाबियो उंज ते तुसां सारिया मेरे नाल बड़े एहसान फरमाए, मगर मैं सारिया दे एहसानात दे बदले चुकांदा रहा चुकांदा रहा चुका चुकिया। अबू बकर ओए जेदे एहसानात दे बदले मैं मुहम्मद दुनिया ते नहीं चुका सकिया, अल्लाह कोलो बदले लेके दियांगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी दी हालत अंदर सैयदा सैयदा आयशा फरमा दिया मेरे नबी नूं तकलीफ बढ़ती जा रही है, रात अद्धी रात डली हुई है। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तकलीफ जोरां ते मेरे नबी मेरी झोली अंदर मेरे कलेजे नाल सर रख के सर चिमटाया होया। अल्लाह दे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा तकलीफ अंदर, मैं अम्मी फरमा दियां ने मैं पूरे घर अंदर नजर मारी, घर अंदर ना ही चिराग मौजूद है, ना ही चिराग बालन वास्ते तेल ही मौजूद है। पड़ोसन नूं आवाज दे के कहदियां ने भैणे मैनू थोड़ा जिन्ना तेल ही उधारा दे दे, मैं जांदी वारी दिया जला के रज रज के अपने महबूब दा दीदार ते कर लवां, इवें तरह रात गुजारी। सवेर कोई सैयदना हसन हुसैन मौजूद, सैयदा फातिमा मौजूद, मेरे नबी दियां बीवियां दुआएं कर रहियां ने। इधरों सैयदा सैयदा फातिमा फरमांदियां ने बार 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 कोई बुआ खटखटांदा है, जा करके वेनिया ते नजर कोई नहीं आंदा, आके कहंदियां ने बाबा बार बार कोई बुआ खटखटा रहा है, जा करके वेनिया ते नजर कोई नहीं आंदा। फरमाया बेटी ओ है जेड़ा कदे खाली नहीं जाया करदा, डिरावां दियां बावां बन जांदा है, बच्चे यतीम कर जांदा है, वालदैन दियां गोदियां विचों सोहणे सोहणे फुल खो लै जांदा है। बेटी तेरे अब्बे नूं लवण वास्ते आया है, मगर अंदर उदों आएगा जदों तेरा अब्बा मुहम्मद आने की इजाजत देगा। इतने ताई जिबरील आ गए सोहणिया, अर्श वाले फरमाया मेरे महबूब नूं पुछो अगर दुनिया ते रहना चाहते हो सदा रह रवो।
जे मेरे को आना पसंद फरमा दे हो, फिर मलकुल मौत बाहर इंतजार कर रहा है, उन्हें अंदर आने की इजाजत दे दो। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत फरमाई है, हाथ अगे किया जिवे मुसाफा करी दाए। अम्मी ऐसा नक्शा नोट फरमा रही ने, हजरदा तू ताई चला गया, गुलामा लोडियां दे हकूक बयान फरमाए, खतीबा दे सामईन दे हकूक बयान फरमाए, इमामा मुक्तदियां दे उस्तादा शगिरदां दे जनाब मां बाप और औलाद दे हकूक बयान फरमाए, मियाँ बीवी दे हकूक मेरे नबी अजे तक वसीयत नसीहत जारी और सारी फरमाए हुए। हजरदा तो हौले हौले थले आना शुरू होया, दम रुखसत होना शुरू हो गया है। अल्लाह दे नबी अगे ते बयान करते सन, मेरे नबी का हाथ उठता चला जाता, बुलंद हुंदा चला जाता, आवाज खुलती चली जाती, मेरे नबी का रंग सुरख हुंदा चला जाता। हुण मेरे नबी का हाथ हौले हौले थले आ रहा है, आवाज अंदर भी मेरे नबी दे इवें जनाब खिफत तारी हुई है, कमजोरी तारी हुई है। अल्लाह दे नबी आखिरी बात करते ने, अस्सलात 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 नमाज नमाज। लोगों नमाज का फिक्र करे आज नबी दात थले आ गया। अम्मी फरमा दी ने मैं समझ गई, मेरे नबी जानना तो कुछ फरमा गए ने। सय्यदा आयशा दियां अक्खां सावण भादो दियां छड़ियां ही बन गईयां, रो रो के चेहरे नूं चुमदियां रहियां, रज के चुमिया ते चादर नाल ढाम छोड़े। हजरत अबू बकर काम गए हुए, पता सी ना मेरे नबी दी तबीयत बड़ी नासाज, जल्दी नाल घोड़ा दौड़ा के आ रहे ने, और रस्ते अंदर एक बक चारण वाला छेड़ू इवें डिग डिग जांदा है। कहिंदा हज़रत अबू बकर पुछदे ने, बेटा तैनू की होया? कहिंदा ताया जी तुसी नहीं जानदे, अज जनाबे रसूलुल्लाह सानू यतीम कर गए ने, अल्लाह दे नबी जुदाइयां दे गए ने। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी खलीफतुल बिला फसल दौड़े दौड़े जल्दी नाल गुजरा सिद्दीका दे अंदर पहुंचे, चेहरे तो पल्ला हटाया ते चेहरा चुमी जा रहे, नारे फरमाते ने, सोनिया अल्लाह ने तुहाडी जिंदगी केड़ी पाकीजा बनाई सी, इवें मौत तुहाडी कितनी पाकीजा बनाई है। अल्लाह दी सौ अज दे बाद तुहाडे ते अल्लाह दो मौतां कदी भी वारद नहीं करेगा, जो होनी सी सो हो चुकी। एवें ते नहीं अल्लाह फरमाया, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द अफा इन मिता उमुल खालिदून। मेरे प्यारे नबी कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत कुल्लू मन अलैहा फ़ान वयबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इक्राम। अल्लाह दे नबी दुनिया तो तशरीफ लै गए, चेहरे नाल जनाब चेहरे नूं चादर नाल ढां पिया है, मस्जिद दा मुआयना करदे ने, उत्थे कुछ होर ही नजारा है। गल मुख्तसर, हजरत उमर तलवार मियान च नंगी करके लहरांदे फिरदे ने, सफा दे अंदर दौड़े फिर रहे ने, नाले कहंदे ने कोई बंदा है को जल लफ्ज बोले, आका वफात पा गए, मैं उहदी गर्दन उड़ा देंगा। हजरत अबू बकर कहंदे ने, इजलिस या उमर, उमर बैठ जा कमला ते नहीं हो गए। हजरत उमर नू पता ही नहीं कौन की आख रहे, होशो हवास गुम ने, हजरत उमर ना बैठे और प्यारे हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला ने खुतबा इरशाद फरमा दे रहे। लोग प्यारे हजरत अबू बकर ने मुतवज्जे होए, मन का लमिल कुम याबुद मुहम्मद व इन मुहम्मद कद मात व मन का लमिल कुम याबुद अल्लाह दे नबी दुनिया तो तशरीफ लै गए, नाल ही कुरान पढ़ते ने, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल,
قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ہن صحابہ نو گل سمجھ آئی ایک دوسرے نال کلکڑیاں پاپا مل دے نالے قرآن دی آیت پڑھ دے وما محمد الا رسول اللہ دے نبی واقعی دنیا تو تجریف لے گئے اتنی دیر تک ایک بندہ زور زور نال آوازاں دیندا رہے کہندا اینا ابو بکر ابو بکر کتھے حضرت ابو بکر سنیا فرمایا کیوں ہے کی ہویا کیوں شور مچاندا رہے کہندے نے پیارے ابو بکر جی حالات تے کنٹرول فرما لو بارہ ربیع الاول حالات تے کنٹرول فرما لو بلال تے کملا ہویا جاندا ہے جنگلا بننے منہ کیتا تے دوڑی آئی جا رہے ہیں حضرت پیارے ابو بکر دوڑے دوڑے بلال نو آبادی چو نکلتے نو پکڑ لیا پکڑ کے کہندے نے یا بلال انت آقانا انت مولانا بلال تو ہی ساڈا سردار ہے پیارے بلال کے جناب رسول اللہ دا کے مفارقت دے گئے نبی دیا بانگیا ہن تو چڑھ چلے آئے بلال ایڈا ظلم نہ کماوی سانو کلیاں چڑھ کر کے نہ جاوی حضرت بلال کہندے نے پیاری ابو بکر امیہ دی غلامی چو مل خرید کے اپنا نوکر تے غلام رکھ لیا سی تے مینو کھڑا کرے گا سک جاؤں گا سی نہیں کریں کراں گا جے آزاد کروا چھڑیا سی تے پھر میں اپنی مرضیاں داں حضرت ابو بکر دیاں تے ٹھائی نکل گئی ہاں رو کے کہندے نے جلد دولے بلال کون تینوں اپنا نوکر سمجھتا ہے تو آزاد ہے آزاد ہے آزاد حضرت بلال ہن ہاتھ جوڑ کے کڑے ہو گئے پیارے ابو بکر پھر میرا راہ چھڑ دے آزاد بندے اپنی مرضیاں دے مالک ہویا کر دل میں دل یوں رہنا مدینے دیا گلیاں مینوں وڈ وڈ کھاندیاں میرا تے جینا مشکل ہے حضرت بلال ہمیشہ وہاں تے کوفے نو مسکن بنایا گلاں دور چلیاں جا رہی ہیں میں کچھ اور گل بیان کرنا چاہندا سا میرے پیارے نبی لوگو بارہ ربیع الاول تے صحابہ دا کی حال ہو گیا ہے میرے پیارے نبی دے صحابہ رو 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 کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی جدائی اندر نٹھالی ہو گئے ہوش و آواز گم نے اے بارہ ربیع الاول نو تھمالنا پاندہ ہی نہیں رجدا اے جناب چمرا پاندہ تے جناب گانے سندا تے میوزک دی تھاپ تے نچدا ہی نہیں رجدا او ویکھو میرے پیارے اے بارہ ربیع الاول میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو صحابہ نے عید جشن منایا پوچھو بھائی جی ویکھو اس واسطے میں عرض کرنا چلو بالفرض من لو چھوٹی جی بات مان لو میرے پیارے ویر بارہ ربیع الاول نو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو گئے لیکن میلاد مان لو کچھ دیر واسطے فرض کرو مان لو اللہ دے نبی بارہ ربیع الاول نو ہی آپ دی ولادت ہوئی چلو مان لو تھوڑی دیر واسطے اللہ لیکن مومن بندہ ضدی تے نہیں ہوندا ضد نہیں کرتا سنیا اپنے ہتھیار سٹ دیندا اللہ دی قرآن دی ہے اللہ دی طرفوں قرآن پاک دی ہے تو وہ یا میرے پاک محمد دی حدیث ہو مومن کا دا ہے او مسلمان کا دا ہے جڑا ضد کرے پھر بھی اپنی گل نو اچا سمجھے تے نالے کہے عشق تے پیار نبی نال نہیں نہیں مومن ضدی نہیں ہوندا قرآن و حدیث دے سامنے سارے تسلیم خم کر دیندا اے مومن دی شان ہے میں دسیا سی نا شروع جے دا کلمہ پڑھی دا اودی گل منی دیئے سونے ہاں اے جے کلمے دا مقصد چلو تھوڑی دیر واسطے مان لو ہاں جی نہیں نہیں مطلب اعتراض کر دینے بار اے تے ساری دنیا مان دیئے نا کہ بارہ نو آپ دی وفات ہوئی میلاد دے بارے دے اندر تے جناب اختلاف ہے تے جناب چلو ولادت بھی بارہ نو مان لو جس طرح مولوی احمد رضا خان بریلوی نے ملفوظات اندر اپنی ملفوظات دوسری جلد اندر 122 صفحے تے لکھیا ہے انہوں نے لکھیا ہے کہ بارہ ربیع الاول نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت ہوئی چلو مان لو تے مسئلہ تے حل ہو گیا ولادت سنیا میلاد
नाले नाले बशर ही नहीं ते नाले मिलाद क्यों जी सवाल है ना इस सवाल नु फैला दे जगह जगह ते नाले बशर ते नाले मिलाद ना बशर नहीं नाले बशर नहीं ते नाले मिलाद मनाया जा रहे है ते नूरी नूरियां दा ते मिलाद हुंदे ही नहीं हजरत जिब्रील दी विलादत दा कोई है पता किसे ने ओदी मां प्यो दादा रिश्तेदार बीवी बच्चे है कोई हाँ या मिलाद नहीं ते या फिर नूरी नहीं हाँ जी जी गल समझ लो मिलाद हुंदा ही खाकियां दा है मिलादत किन्ना दी हुंदी है खाकियां दिन दी मेरे नबी दे मेरे नबी दा पूरा खानदान हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो लेके मैं एक बारी दस्या सी ना मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खानदान दे अंदर अल्लाह ताला ने अच्छे अच्छे लोगां दियां पुश्तां च मेरे नबी नू कन्वर्ट फरमाया बेलाखर आपने फरमाया वस्तफानी मिन कुरैश मैनू कुरैश जो अल्लाह ने इंतखाब चुने हैं ते प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियाँ मेरे नबी दियाँ बीवियाँ भी सन मेरे नबी दी माँ भी सी मेरे नबी दा बाप भी सी मेरे नबी दा दादा दादी भी सी नाना नानी भी क्यों जी रिश्तेदार सारे सन ते खाकियां दे हुंदे ते जिब्रील दे नाने दा या दादे दा पता दसे कोई उन्हां दी मां दा कोता पता दसे सुनिया मसले ऐसे ने कि क्यामत तक मैं दसिया अर्ज कीता है कि इन्हां दा जवाब इन्हां सवालां दा जवाब कोई नहीं अल गरज एक छोटी जी रवायत अवालू मा खलकल्लाह नूरी कह झूठी रवायत है झूठी रवायत है जी बड़ी जर्जे दी झूठी ते मौजू जिन्हों कहते ने मन घड़त मौजू कहते ने वजह की हुई आ मौजू जेड़ा असी बयान करने फलां मौजू बयान करेंगे वह खतीब ने अपनी मेहनत नाल कुरान सुन्नत दे दलायल चो इकट्ठा किया हुंदा है उहदी तरतीब आप दित्ती हुंदी तां उहनूं मौजू किया मौजू आख्या जांदा है ठीक है उनवान मौजू तां आख्या जांदा है ते जिहड़ी रवायत रवायत मौजू है इहदा मतलब है मन घड़त है उहदा कोई सिर पैर नहीं ज़ईब भी नहीं बल्कि मन घड़त रवायत है कि सब तो पहले अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे नूर नू अल्लाह ने पैदा फरमाया ते जे नूर नू पैदा फरमाया ते फिर मिलाद चे माना दारद क्यों जी मिलाद दा की माना फिर ये नूर नू पैदा फरमाया ते फिर मिलाद दा अच्छा मिलाद होया ते फिर वफात हुई नहीं जिवें कहा जांदा है वफात हुई नहीं ते उम्र 63 साल किवें हो गई सच्चिया सच्चिया बातां जगह जाते आम कर दे ताकि लोगों को समझ आ जाए एवें इन्हां दे टुकर बोच है जी इन्हां जोहलां जाहलां दे है जी हत्थे ना चढ़न लोग अपना दीन ईमान ना खराब करन इस वास्ते मेरे प्यारे भाइयो है जी एक होर मसला हर मौलवी बयान करता है मैं भी बयान करांगा दूसरा तीसरा भी सारे मौलवी बयान करनगे देवबंदियां दे बरेलवियां दे हदीसां दे सारे बयान करनगे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुध दी मुद्दत पिछले जुमे सुनिया ना हलीमा वलादत मुस्तफा च ते जनाब दुध दी मुद्दत मेरे नबी ने हलीमा सादिया दे कोल क्याम फरमाया गए ना हम हलीमा सादिया लैके गई ना सुने अच्छा पक्की गल दे अंदर कोई किसे किस्म दी दो राय नहीं ते जे मेरे नबी नू ले करके गईया हलीमा सादिया दुध दी मुद्दत आमना कोल नहीं रह ते हलीमा सादिया कोल रहने बयान भी करते ने ते नाले कहंदे ने हाजर नाज़र क्यों जी जे हाजर नादर ने ते फिर जाना और आना कैसे अगर हाजर नादर ने ते फिर मेरे नबी दी रजात दी दुध दी मुद्दत दा उते क्याम कैसा फिर मेरे नबी दी मक्की और मदनी जिंदगी दी तकसीम कैसी मक्की और मदनी जिंदगी दी तकसीम खत्म है ऐ जी फला सूरत मक्की है ते फला मदनी है ते खत्म मेरे नबी फला फला बीवी दे घर दे अंदर मेरे नबी फला दिन फला बीवी दे घर दे अंदर अगर हर रोज हर घर दे अंदर से ते मेरे नबी हैन किते सन और ये नबी दी शान नहीं मेरे नबी हर रोज अगर हर घर दे अंदर ने ते मेरे नबी दी शान ते नहीं ये ते अल्लाह दी शान है ये अल्लाह दी शान है कि अल्लाह हर जगह ते हाजर रब भी नहीं नाजर जरूर है हाजर अल्लाह ताला भी नहीं हर जगह ते अल्लाह ताला दी कुदरत हर जगह ते मौजूद है हर जगह ते हाजर है क्यों जी अल्लाह बजाते खुद हर जगह ते हर चीज दे विच नहीं ये तबादल वजूदियां दा मुशरिकीन दा अकीदा है मुसलमान दा अकीदा ही नहीं हाजर नाजर पढ़ाया जाता है स्कूलों के अंदर हाजर नाजर हम मानते हैं अल्लाह को ए गल गलत है अल्लाह ताला को
हाँ जी ए नाजर मानते हैं, हाजिर उसकी कुदरत को मानते हैं, उसकी कुव्वत को मानते हैं, उसकी निगरानी को, उसकी बसारत को मानते हैं। हर जगह पर अल्लाह की गिरफ्त है, हर जगह अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत है, हर जगह पर अल्लाह ताला है जी अपनी कुदरत के लिहाज से कदीर है, कादिर है, हर जगह पर अल्लाह अपनी गिरफ्त रखता है। अल्लाह हर चीज को जानता भी है और हर चीज को देखता भी है। अल्लाह अल्लाह हाजिर नहीं हर जगह पर, नाजिर है। हर चीज अल्लाह मौजूद नहीं, हाँ समझो। ते फिर हाजिर नाजिर कैसे? मेरे नबी अगर जी फलां जंग ते गए, बदर ते गए, ओहद अंदर गए, मेरे नबी गजवा हुनैन च गए, फलां हाँ जी मेरे प्यारे नबी गजवा तबूक वास्ते नाल गए, ते फिर जंग दे उते आना जाना कैसा? फिर गजबा तबूक के हर वेले गजबा तबूक च ने, हर वेले मक्के च, हर वेले मदीने, फिर हिजरत करके मक्क्यों मदीने गए, वो किधर गई हिजरत, किधर गई बयान भी करी जहां हाजर नाजर। मेरे प्यारे भाइयों ये बात कतन कतन नहीं समझ आ सकती। इस वास्ते हाँ देखो शादी दे उते ना, बस एक दो मसले सुन लो बात खत्म। शादी दे उते ना हजारां रुपए खर्च कर देता है, लखां रुपए, ठीक है, भावें सूद लैके बच्चा पैदा हो, मिठाइयां बनता की के करता, भावें उधारे चुक के करे, क्यों जी खुशी होंगी ना, खुशी दे विच पैसे खर्च करता है, 10,000, 20,000, लख, 2 लख अपनी सीयत दे उच्चा। ते जदों मिलाद की खुशी आवे ना, ईद मिलाद, उस वेले इंटरनेशनल मंगता बन जाता है, ओले नहीं कोलो खर्च करने, ओले मंगता फिरदा रुपया रुपया। एक बंदा मेरी गड्डी रुकी ते मुंडे आ गए, जगह जगह फिरदे ने ना, असी मिला मिलाद वास्ते, मिलाद के खत्म वास्ते पैसे दो, मैं उस दिन तेरी मां मरी सी, उधर भज गया जे मुंडा जरा जल्दी नाल। अल्लाह अकबर, अल्लाह मेरे प्यारे वीरो यार की हो गया कौम, जाहिल परले दर्जे दे, अलफ तो बे नहीं जानते, पढ़े लिखे नहीं गए लोग, ये इमाम अल जोहला ने इन्हों के खुतबा होन, इमाम होन, खतीब होन, मुबल्लिग होन, पता ही नहीं लम्दा, पता नहीं जो कुछ मर्जी मुंह चाया कही जाना, जो लिखिया अगर जी लिखिया वेख लो। एक जगह से मैं मसला दसिया, उत्थे मैं गया चिश्तियां, ए पिछले दिन 2-4 दिन पहले उत्थे जलसे ते गया, ते बंदे ने कहा काम अल्लाह वा दामहा, जिहड़ी अकामत पढ़ी ना, मैं कहा बाबा जी ये ते हदीस बिल्कुल ज़ईफ है, ये है ही नहीं कि तकबीर तो बाद अकामत तो बाद अकामा अल्लाह वा दामहा पढ़े। कहिंदा जी लिखिया मौल साहब, कहिंदा कारी साहब लिखिया वेख लो, उत्थे किताब पई लिखिया। मैं कहा वाह जी वाह, हर लिखी चीज दलील तो नहीं ना बनती, दलील वह बनती है जिहड़ी बात मेरे महबूब तक पहुंचे, मेरे नबी दे होंठां चो निकली वह दलील बनती है। असी भी पहले इस तरह ही मैं क्या करते सा, बाबा जी लिखिया तो गलत लिखिया, सी गलत ही असी पढ़िया, गलत ही तुसी पढ़िया, हुण तहकीक होई है नहीं, बिल्कुल किसी पासे नहीं है, काम अल्लाह वा अदा महादे अल्फाज बिल्कुल नहीं, हदीस दे विच सही हदीस नहीं गे। तो बर कैफ इस वास्ते इन लोगों नू पता ही नहीं बेचारिया, चलो है जी बच्चा, एक बच्चा पैदा होया जी 12 रबीउल अव्वल सोमवार वाले दिन, ठीक है, कुछ साल बाद 12 रबीउल अव्वल ही सोमवार वाले दिन दिन चढ़े फौत हो जाता है, यानी सुबह चा बंद एक बच्चा पैदा होवे जनाब है जी सवेरे सुबह सादक दे वक्त, फौत हो जावे दिन चढ़े चाश दे वक्त, तो हूँ 12-11 बजे जिमें हूँ टाइम है 11-12-1 बजे वह बच्चे दे कफन दफन का इंतजाम होएगा या बंदा लड्डू बंटता फिरेगा, ते फिर है जी खुशी गल पाएगी या गमी? हलो फिर कह जी तुसी फिर गमी, कोई मौलवी ने गल सुन ली कहेगा जी फिर तुसी गमी मनाया करो, और सोने गम बड़ा है मेरे महबूब दे जान दा, अगर प्यारे आका ने मना ना किया होंदा ते फिर असी गमी मना के खांदे, फिर साहबा ने एक बारी हाल की होया पाया, फिर हर साल साहबा ने गमी मनाई मेरे नबी दे जान दी है, या साल ग्रह मनाई मेरे नबी दी, मेरे नबी ने नहीं मनाई, साहबा ने नहीं मनाई, ये अपने कोलों नहीं गुलब कर दिया होया जनाब, ये अगर चे किसी ने मिलाद मनानी भी सी ना, और 12 नूं ते मिलाद दा किधरे सिरे तो तस्करा कोई नहीं, एवें कोई लिख देवे ते वखरी गल है, ते कम अज कम तहकीक है जिहड़ी महबूद फाशा फलकी दी, वह 9 रबीउल अव्वल नूं ते फिर 9 नूं मनानी चाहीदी सी ना, है जी जे गुलब करके मनानी है तो फिर 9 नूं मनांदे, फिर 12 च किधर लै गए, 12 वफात नूं 12 मिलाद क्यों बनाता? मेरे प्यारे वीर, मेरे प्यारे नबी जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिंदगी दे अंदर 63 मरतबा ए दिन आया, और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जड़ी नबुवत वाली जिंदगी है ओदे अंदर 23 मरतबा आया, ए दिन मेरे नबी ने ना मनाया ना मनाण दा हुक्म दिता, हजरत अबू बकर दी जिंदगी अंदर भी 63 मरतबा आया, 63 साल मेरे प्यारे अबू बकर दी उम्र, 63 साल मेरे पाक मुहम्मद दी उम्र।
हजरत अबू बकर दे जनाब दो साल दे अंदर दौरे खिलाफत दे ए दिन आया और जनाब और ना मनाया ना मनान का हुक्म दिता। हजरत उमर की जिंदगी अंदर 63 मरतबा आया, उन्होंने खिलाफत के अंदर 12 मरतबा आया, ना मनाया ना मनान का हुक्म दिता। हजरत उस्मान गनी की जिंदगी के अंदर 80 मरतबा ए दिन आया, उन्होंने खिलाफत के दौर अंदर 10 मरतबा आया, ना मनाया ना मनान का हुक्म दिता। हजरत अली की जिंदगी अंदर 63 मरतबा आया, उन्होंने दौरे खिलाफत अंदर 6 मरतबा आया, ना ये दिन मनाया ना मनान का हुक्म दिता। अगे चलो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी अंदर 70 मरतबा आया, हजरत इमाम शाफी की जिंदगी अंदर 54 मरतबा आया, हजरत इमाम अहमद की जिंदगी अंदर 77 मरतबा आया, हजरत इमाम जनाब हाँ जी मालिक की जिंदगी के अंदर 88 मरतबा आया, ना मनाया ना मनान का हुक्म दिता। और लोगों पीर अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी अंदर ये दिन आया, ना मनाया ना मनान का हुक्म दिता। और फिर उन्होंने जिंदगियां गुजारियां माना अलैहि व असहाबी, जो मेरे नबी का तरीका सहाबा का तरीका उसके मुताबिक जिंदगियां गुजार गए। आज सारा दिन बकवास किए जाते हैं, कहते हैं जी शैतान के अलावा सब खुशियां मना रहे हैं, और 600 साल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी समेत सहाबा दी जिंदगियां समेत ताबईन तबा ताबईन मुहद्दिसीन आइम्मा किराम दी जिंदगियां समेत और उन्होंने 600 साल के मुसलमानों ने एक काम नहीं किया। अगर एक काम ना करने वाला शैतान है तो फिर मेरे नबी कौन सन, मेरे नबी दे सहाबा कौन सन, ते आइम्मा दीन कौन सन, इन्हां दी तकलीद करना है वह कौन सन। उन्होंने तो दिन नहीं मनाया, क्यों जी जिमें आम दिन गुजर गया उस तरह ये दिन गुजर गया। हाय कितना बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है मेरे पाक नबी दे सहाबा ते, अगे शैतान के अलावा सब खुशियां मना रहे हैं। है मेरे अल्लाह जे मेरे नबी ने मनाई होंगी मनाण का हुक्म दिता दिता होंदा तुसीं वेखदे असीं किवें मनाने आ। और असी साहबा तरह साहबा ने मेरे प्यारे नबी की गल मनी, क्यों जी कुरान और सुन्नत ते अमल किया, असी भी अमल करने वाले हैं। ऐ मोहब्बत के गल मनी जाए, जेदा कलमा पढ़ी दी गल मनी।